morning, students. Students, my name is Sandeep Dwivedi. I will teach you basic electrical engineering. बच्चों, हम लोग basic electrical engineering की जब बात करते हैं तो उसमें हमें क्या study करना होगा? Means electricity को जो instrument control करने होंगे उनके विषय में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा. साथ ही साथ हम लोग analysis करेंगे. Analysis किसकी करेंगे? Generation of electrical energy, बिजली बनाने की, और consumers में उसको transmit या distribute करने की. तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे होंगे और उसको कंज्यूमर्स में ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो उस दौरान कितना जनरेशन होने के बाद कंज्यूमर्स को कितना ट्रांसमिट कर पा रहे हैं उसकी एनालिसिस करते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उसको कंज्यूमर्स में सप्लाई करेंगे. सप्लाई करने के बाद जो लॉसेज वगैरह हो रहे होंगे उनकी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे. तो एक इंट्रोडक्शन आपको देते हैं सब्जेक्ट के विषय में, हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, क्या क्या टॉपिक्स हैं. जो ओवरऑल जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग मॉड्यूल बोलेंगे. मॉड्यूल वन में हम लोग किस किस स्टडी करेंगे? मॉड्यूल वन में हम लोग डीसी सर्किट्स की एनालिसिस करेंगे. ऐसे सर्किट्स जिसके हम लोग डीसी दे रहे होंगे, डीसी पे ऑपरेट हो रहे होंगे, तो उन सर्किट्स पे एनालिसिस का क्या पर्पज है? एनालिसिस का पर्पज है कि हम लोग डीसी सप्लाई पे जब उन सर्किट को ऑपरेट कर रहे होंगे तो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकाल रहे होंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे होंगे और पावर लॉस निकाल रहे होंगे. तो यही वोल्टेज करंट और पावर लॉस निकालने को ही हम लोग एनालिसिस बोलेंगे. साथ ही साथ हम लोग अब मॉड्यूल टू की जब बात करेंगे, मॉड्यूल टू में हम लोग एसी की एनालिसिस करेंगे. अब हमारे पास जो सर्किट्स होंगे हम उनको एसी पे ऑपरेट कर रहे होंगे. एसी की जब हम बात करेंगे तो एसी बेसिकली आपका दो तरीके का होगा, सिंगल फेज और थ्री फेज. तो हम लोग यहाँ पे इस मॉड्यूल टू में थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों के विषय में ही स्टडी करेंगे. सिंगल फेज एसी है, थ्री फेज एसी पे जो हमारे सर्किट्स ऑपरेट हो रहे होंगे हम लोग उनकी एनालिसिस करेंगे. बच्चों, अब हम आते हैं मॉड्यूल थ्री पे. मॉड्यूल थ्री की हम बात करें बच्चों, तो मॉड्यूल थ्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? मॉड्यूल थ्री में हम लोग ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे. ट्रांसफार्मर हम लोग जानते हैं सुनखा लेडी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है. बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है वो पावर को ट्रांसमिट करता है प्राइमरी टू सेकेंडरी. तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? पावर को ट्रांसमिट करना प्राइमरी टू सेकेंडरी विद डिजायर्ड चेंज इन वोल्टेज एंड करंट एंड विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे मॉड्यूल थ्री में. मॉड्यूल फोर की बच्चों बात करते हैं. मॉड्यूल फोर की जब हम बात करेंगे तो मॉड्यूल फोर में हमें डीसी मशीन्स की स्टडी करनी है. डीसी मशीन्स बेसिकली क्या होगी? मशीन ऐसी डिवाइस होगी जो एक तरह की एनर्जी को दूसरे तरीके की एनर्जी में चेंज करेगी. विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू एनदर फॉर्म. अब बेसिकली दो तरीके की मशीन होगी, एक जनरेटर दूसरी मोटर. जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जबकि मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है. तो बच्चों, हम लोग मॉड्यूल फोर में जनरेटर और मोटर की स्टडी करेंगे. आगे हम चलेंगे तो मॉड्यूल फाइव में. मॉड्यूल फाइव में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड स्विचगियर प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मीन्स जैसे हमें कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टॉल करना हो, इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे पहुंचानी है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी हम लोग उसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो उसके लिए हमें वायर्स की, केबल्स की, फ्यूज की, स्विच की, एमसीबी की, एमसीसीबी की, अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर की, बैटरीज की, वो सब की जरूरत पड़ती है. तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड स्विच के प्रोटेक्शन में हम लोग वायर्स की स्टडी करेंगे, केबल्स की स्टडी करेंगे, अर्थिंग की स्टडी करेंगे, स्विचेस के विषय में पढ़ेंगे, स्विच क्या होते हैं, फ्यूज क्या होते हैं, एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है, ईएलसीबी क्या होता है, इनकी स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो बच्चों, ये हमारे पास एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था. तो मॉड्यूल वन में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. मॉड्यूल वन में हम लोग एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स की एनालिसिस करेंगे. मॉड्यूल टू में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. मॉड्यूल टू में हम लोग एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स. अगर हमारे पास सर्किट्स एसी पे ऑपरेट हो रहे हैं तो हम लोग उनमें लॉसेज वगैरह का इवैल्यूएशन करेंगे, लॉसेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे. मॉड्यूल थ्री में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? मॉड्यूल थ्री में हम लोग ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे. मॉड्यूल फोर में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? मॉड्यूल फोर में हम लोग डीसी
मशीन की स्टडी करेंगे। डीसी मशीन कितने तरीके की होंगी, दो तरीके की होंगी, कौन कौन सी होंगी, जनरेटर एंड मोटर। मॉड्यूल 5 में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, मॉड्यूल 5 में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत आएगी, स्विच की, फ्यूज की, एमसीबी की, एमसीसीबी की, हम लोग उनकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ वायर, केबल्स, बैटरीज, इन सब की स्टडी भी हम लोग यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो हमें स्टडी करना है। तो जो हमारे पास पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा वो 5 यूनिट में कैटेगराइज होगा। यूनिट 1 में हम लोग डीसी सर्किट्स की एनालिसिस करेंगे, यूनिट 2 में हम लोग एसी सर्किट्स की एनालिसिस करेंगे, यूनिट 3 में हम लोग ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे, यूनिट 4 में हम लोग मशीन की स्टडी करेंगे, यूनिट 5 में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की स्टडी करेंगे। बच्चों जो पूरा सिलेबस होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम जो आपका होता है सेमेस्टर में, जनरल एग्जाम वो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का। जब 100 मार्क्स की बात करते हैं तो एक यूनिट का जो वेटेज आता है स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो 20 मार्क्स का आता है, जो हम लोग वहां पे अटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से होता है। तो ये ओवरव्यू हो गया सब्जेक्ट के विषय में, हमें क्या क्या पढ़ना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, और ये हमारे पास पेपर का एस्टीमेट है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और हर यूनिट जो होगी वो 20 मार्क्स ही एटेंड। बच्चों अब हम इस सब्जेक्ट में अब हम लोग पहली यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, पहला जो मॉड्यूल होगा उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो यूनिट 1 की एनालिसिस हम लोग करेंगे, तो यूनिट 1 पिक कर रहे हैं हम लोग, तो मॉड्यूल 1 जो है वो एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो मॉड्यूल 1 की हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बच्चों अपने इस वीडियो के लेक्चर में। मॉड्यूल 1 बच्चों क्या करेगा, एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स की हमें एनालिसिस करनी है। एनालिसिस जब बच्चों को कह रहा होता है तो इसका मतलब उसकी कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे डीसी सर्किट्स जो होंगे उनमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन मीन्स न्यूमेरिकल बेस हमारा टॉपिक होगा। मीन्स किसी भी सर्किट पे जब हम लोग सप्लाई दे रहे होंगे तो उस पर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालने को आपसे यहाँ पे बोलेगा, या वोल्टेज ड्रॉप निकालने को बोलेगा, या पावर लॉस निकालने को बोलेगा। तो बच्चों अब एनालिसिस करने के पहले हमें किसके विषय में जानना जरूरी है, हमें डीसी के विषय में जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डीसी हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट्स में। फिर हमें किसके विषय डीसी कहां पे अप्लाई करना है बच्चों, सर्किट्स में। तो डीसी हमें सर्किट्स में अप्लाई करना है, तो हमें डीसी के विषय में बच्चों मालूम होना चाहिए, हमें सर्किट्स के विषय में मालूम होना चाहिए। जब हमें डीसी के विषय में मालूम होगा और सर्किट्स के विषय में मालूम होगा तो फिर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम इजिली चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी जो बेसिक्स चीजें हैं उस पर एक बार पहले फोकस कर लेते हैं ताकि आपको आगे टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम डीसी की बात करेंगे। डीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। अब बच्चों डायरेक्ट का मतलब आपको मालूम है, डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, जब हमें डीसी को डिफाइन करना है डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होगा। जैसे डायरेक्ट की बात हम करें, डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट मतलब होता है कांस्टेंट। मीन्स जैसे मैं अगर ऐसे कहा मुझसे कि आप बोलेंगे कि आप डायरेक्ट चले जाइए तो मैं किधर जाऊंगा, मैं सीधे जाऊंगा, कांस्टेंट जाऊंगा, ना तो मैं इधर हूंगा ना तो मैं इधर हूंगा। तो अब क्या कांस्टेंट, तो डायरेक्ट का मतलब कांस्टेंट हो गया बच्चों। क्या कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट। क्लियर बच्चों ये चीज। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट करंट हमारा वो करंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होंगे। किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होंगे। So the direct current is one which has constant magnitude and direction with respect to time. अब किसी को अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्ट करंट को हम इस तरीके से एक्सेस लेंगे। मैथमेटिकल आपको मालूम है इस तरीके से एक्सेस होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस जो किसका होगा, जो टाइम का होगा, एक वाई एक्सिस जो किसका होगा, जो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का होगा। मैग्नीट्यूड पे हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एक्सिस पे हम यहाँ पे करंट ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सिस हो गए। अब आपको मालूम है ये जो आपका पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से जब हम आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ऐसे जब हम मैग्नीट्यूड एक्सिस पे बढ़ेंगे तो आपका
करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। करंट की यूनिट बच्चों एम्पियर होती है, एम्पियर में हम लोग उसको मेजर करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया। और टाइम तो हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, इस तरीके से एक्सेस हो गया। अब मान लीजिए आपके पास टाइम स्लॉट जीरो है, फिर वन सेकेंड है, फिर टू सेकेंड है, फिर थ्री सेकेंड है, फिर फोर सेकेंड है, फिर फाइव सेकेंड है, फिर सिक्स सेकेंड है, फिर ये सेवन सेकेंड है। अब जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर ले, मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे आपका जीरो एम्पियर है, यहाँ पे अज्यूम कर ले टू एम्पियर है, यहाँ पे अज्यूम कर ले फोर एम्पियर है, यहाँ पे अज्यूम कर ले सिक्स एम्पियर है, यहाँ पे अज्यूम कर ले एट एम्पियर है, कुछ इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड अजम्पशन आपने ले लिया। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, थ्री सिक्स या वन टू थ्री, आपको जैसे सुविधा हो आप वहां से मैग्नीट्यूड आप उस हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड। तो बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट का मतलब क्या बच्चों, डायरेक्ट का मतलब कॉन्स्टेंट। तो टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कॉन्स्टेंट होने चाहिए। बच्चों अगर हमारे पास टाइम कितना है जीरो, जीरो पे अगर हमारे पास कुछ भी मैग्नीट्यूड हुआ, टू एम्पियर, फोर एम्पियर, सिक्स एम्पियर, जो भी होगा, मान लिया जीरो पे हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड कितना है फोर एम्पियर, आगे चले जीरो से कितना टाइम वन सेकेंड, टाइम हमारा वन सेकेंड हो गया, लेकिन वन सेकेंड पे भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो वन सेकेंड पे भी मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर एम्पियर होगा। ऐसे जब आगे बढ़ेंगे टाइम कितना टू सेकेंड, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए फोर एम्पियर। ऐसे ही आप कितना होना चाहिए थ्री पे, टाइम आपका थ्री सेकेंड हो गया, मैग्नीट्यूड कितना फोर एम्पियर। आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जाएंगे, तो आपका इस तरीके से सारे डॉट को जो कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका एक कांस्टेंट लाइन बन जाएगा। तो जो डीसी का मूवमेंट होता है इसी तरीके से कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन अगर ये वाली है तो आपका इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इसका। तो यहां से बच्चों देखो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्वांटिटी का क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट करंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, the current which has constant magnitude and direction with respect to time is called direct current. Clear होने को चाहिए। तो ये हमने direct current को देखा। अब direct current को हम लोग कहाँ पे apply करेंगे? Direct current को हम लोग circuits में apply करेंगे। तो बच्चों हमें circuits के विषय में जाना जरूरी है कि circuits क्या होते हैं। Circuits क्या होते हैं आप लोगों को मालूम है? Circuits basically कुछ components, कुछ elements होते हैं जिनके combination से बनते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? वो एलिमेंट होंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो बच्चे कोई भी सर्किट बनाने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की जरूरत आती है। इन एलिमेंट की हेल्प से ही कोई भी सर्किट डिजाइन होगा, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं बेसिक सर्किट एलिमेंट। बच्चों चूंकि हमें डीसी कहां पे अप्लाई करनी थी सर्किट, क्लियर हो रही बात? तो अब हम लोग सर्किट्स के विषय में यहां पे देखेंगे। सर्किट्स बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स के विषय में जाना जरूरी है, इन्हीं का यूज करके कोई भी सर्किट डिजाइन होगा। तो अब हम यहां पे एलिमेंट्स के विषय में देखेंगे। तो जो सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए एलिमेंट्स यूज होंगे, उन एलिमेंट्स को हम लोग कौन से एलिमेंट्स बोलेंगे? उन एलिमेंट्स को हम लोग बेसिक सर्किट एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर हो रही बच्चे बात? तो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स बेसिकली कितने तरीके के होंगे? तीन तरीके के होंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन रेजिस्टेंस, सेकेंड वन इंडक्टेंस एंड थर्ड वन कैपेसिटेंस। क्लियर हो रही बच्चे बात? तो अब कहने का मतलब यह है कि बेसिक सर्किट एलिमेंट्स तीन तरीके के होंगे जिनका यूज करके हम लोग सर्किट यहां पर डिजाइन कर रहे हैं। आगे आगे बच्चों अब हम रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बच्चों रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं? आपको मालूम ही है रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, ये ओम का सिंबल होता है। अब होता क्या है रेजिस्टेंस, इस बात का भी हम जिक्र कर लें। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। इट ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। तो बच्चों ये चीज हमें जाननी चाहिए क्योंकि आगे इनका यूज होगा, कंपोनेंट बार बार यूज होंगे इलेक्ट्रिकल में, तो इसीलिए इनके विषय में जानना जरूरी है। तो कभी लिखने को नहीं आएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन फॉर योर बेसिक नॉलेज
आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या करता है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट टू इट. इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड इट कैन बी मेजर इन ओम. बच्चों इंडक्टेंस की बात करें हम, इंडक्टेंस क्या होगा? इंडक्टेंस आपका इस तरीके से मैथमेटिकली, इस तरीके से इंडक्टेंस का सिंबल होता है कॉइल के फॉर्म में. मैथमेटिकली हम लोग इसको एल से डिनोट करते हैं. इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हेनरी होती है. शॉर्ट कट में हम लोग इसको एच से डिनोट कर देते हैं. क्लियर होगी बच्चों ये बात? तो इंडक्टेंस का ये सिंबल हो गया. मैथमेटिकली इसको एल से डिनोट करते हैं. इसकी यूनिट क्या होगी? हेनरी होगी. तो अब बच्चों अब इसको देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस करता क्या है. बच्चों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों ही एलिमेंट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं. सो इंडक्टेंस स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. बच्चों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का काम एनर्जी को स्टोर करना है. अब जब दोनों एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो दोनों एनर्जी को अगर एक ही तरीके से स्टोर कर रहे होते तो फिर दोनों को हम डिफरेंशिएट ना कर रहे होते. दोनों एनर्जी को तो स्टोर करते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, लेकिन अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं. इसीलिए हमें दोनों के विषय में पढ़ना पड़ता है. यहाँ पे इंडक्टेंस जो एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी, जबकि कैपेसिटेंस जो एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में करता है. इंडक्टेंस को आप आइए एक बार डिफाइन कर लेते हैं. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. बच्चों इंडक्टेंस क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. क्लियर हो गई बच्चों ये बात? आगे आ जाइए. अब आपका जो तीसरा बेसिक सर्किट एलिमेंट है वो कौन सा है? वो कैपेसिटेंस है. कैपेसिटेंस का इस तरीके से सिंबल होगा, बराबर प्लेट्स होंगी. मैथमेटिकली इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल से डिनोट करेंगे. इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट फैरड होती है. मैथमेटिकली यूनिट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं. बच्चों कैपेसिटेंस का क्या काम है? इट ऑल्सो स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. क्लियर हो गया? तो ये बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं. सर्किट्स को बनाने के लिए हम इन एलिमेंट्स का यूज करेंगे, इसीलिए को हम लोग बेसिक सर्किट एलिमेंट्स कह रहे हैं. तो बच्चों बेसिक सर्किट एलिमेंट्स कितने तरीके के हो गए? बेसिक सर्किट एलिमेंट्स तीन तरीके के हो गए. कौन कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इट ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. कैसे इसको डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. किसमें मेजर करेंगे? इसको ओम में मेजर करेंगे. इंडक्टेंस क्या करता है बच्चों? इंडक्टेंस एनर्जी को स्टोर करता है. कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में करता है. मैथमेटिकली इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. किसमें मेजर करते हैं इसको? हेनरी में मेजर करते हैं. क्लियर हो गया बच्चे बात? तीसरा जो कैपेसिटेंस, तीसरा जो एलिमेंट है आपका वो कौन सा है? कैपेसिटेंस है. कैपेसिटेंस क्या कर रहा है? ये एनर्जी स्टोर कर रहा है. कौन से फॉर्म में कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कर रहा है. मैथमेटिकली इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल से डिनोट करेंगे. इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट फैरड. क्लियर हो गई बच्चे बात? अब इन बच्चों अब यहां पे हम आगे चलने के लिए इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, उसको हम यहां पे आपको कंटिन्यू करना चाहेंगे. उसको आपको हम यहां पे रिवाइज कराना चाहेंगे. कौन सा लॉ? ओम्स लॉ. इसका बहुत रोल है अपने यहां इलेक्ट्रिकल में. आपको मालूम है मैथमेटिकली इसको सारे बच्चे ही जानते हैं, वी इक्वल्स टू आई. लेकिन जब हम इसको डिफाइन करने की बात कहते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं. इसको देखेंगे कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग ओम्स लॉ को. तो ओम्स लॉ बच्चों क्या कह रहा है? ओम्स लॉ देखो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास देखो तीन चीजें दिख रही हैं आपको, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस. तो बेटे रेजिस्टेंस हम जान चुके हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये रहा. तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस को इस तरीके से उठाएंगे ऐसे. ये रहा रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस में अगर हम क्या पास करें? इस रेजिस्टेंस में अगर कोई इस तरीके से आपने करंट पास कर दी, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? आई से डिनोट कर रहे हैं. तो अब बच्चों रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो होने का अपोज करता है. जब अपोज करता है तो इसके रिजल्ट से आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है. किसके क्रॉस? रेजिस्टेंस के क्रॉस. जो कितना हो गया? जो हो गया आपका V.
इस तरीके से हमने यहाँ पे टर्मिनल ले लिए। जैसे करंट को हम लोग हाई टू लो फ्लो कराते हैं, तो जिस डायरेक्शन से करंट आपका चल रहा है वहां पर पॉजिटिव साइन ले लिया, निगेटिव साइन ले लिया, तो इस तरीके से एक आपका सर्किट फॉर्म हो गया। क्लियर हो रही बच्चे का? तो अब इन तीन कंपोनेंट का यूज करके हमारे पास ओम्स लॉ आ गया। ये रहा, तो ओम्स लॉ बच्चों क्या कहता है? कहता है कि जिस भी सर्किट में जो आपकी करंट फ्लो हो रही होती है वो करंट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वोल्टेज ड्रॉप के। वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना है? वी। अब ये वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस है? एलिमेंट के क्रॉस। कौन सा एलिमेंट? रेजिस्टेंस, जिसको आप कह रहे थे आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको वी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब वही जो करंट है वो सर्किट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है। करंट आपकी सर्किट एलिमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन? एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से मैथमेटिकली आपका ओम्स लॉ हो गया। तो ओम्स लॉ कुछ और नहीं कहता है, ओम्स लॉ क्या कह रहा है? ओम्स लॉ कह रहा है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सर्किट एलिमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो 1/2 में जाती है, तो 1/2 में इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर मींस रेजिस्टेंस। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस क्या था? सर्किट एलिमेंट। क्लियर हो गया बच्चे का? तो इसको आइए कंबाइन एक बार आपको हम बता देते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्किट एलिमेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्लियर हो गया बच्चे का? अब इन्हीं दोनों रिलेशन को अगर हम कंबाइन करें तो इस तरीके से आपका जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं। कांस्टेंट हमने के ले लिया, वी बाई आर। के की वैल्यू ओम्स लॉ के लिए चूंकि लीनियर रिलेशन है इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। लीनियर, ये देखो करंट और वोल्टेज का रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कोई रिलेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग उसको लीनियर कहते हैं। तो आगे जब आपसे कई सारी चीजें बोलेगा कि कोई भी सर्किट लीनियर कब होगा तो हम लोग वहां पे बोलेंगे लीनियर का मतलब उस पर क्या अप्लीकेबल हो रहा होगा? ओम्स लॉ अप्लीकेबल हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ में देखो लीनियर रिलेशन आ रहा होता है आपका। क्लियर हो गया बच्चे का? तो अब कहने का मतलब यह है कि जो आपका रिलेशन था उसको आपने कंबाइन कर लिया। अब चूंकि वोल्टेज और करंट लीनियर रिलेशन था इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से आपका 1 के की वैल्यू 1 हो गई, वी बाई आर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी इक्वल्स टू आई आर। आपका इस तरीके से ओम्स लॉ आ गया। क्लियर हो गया बच्चे का? तो आपका ये रहा ओम्स लॉ। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें मॉड्यूल 1 पढ़ने के पहले हमें आनी चाहिए। हालांकि सब चीजें आप 12th में पढ़ के आते हो लेकिन उसके बावजूद भी एक बार आपको रिवाइज कराना जरूरी है। बच्चों कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन मींस इसको हम कहां पे एप्लीकेबल नहीं।